मंत्री जी ने अपना वोट बेच दिया है, कभी भी बिक सकते हैं जी, कभी भी पैसों से खरीदा जा सकता है इन लोगों, कौन भरोसा करेगा आपकी बार फिर से बिक जाएंगे तो। परेशानी ज़्यादा है, 100 बार तो CM हेल्पलाइन लगा दे, नगर पालिका में कह दे, सब जगह कह दे, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। ग्वालियर जयपुर मरीज जा रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पे लाइट की समस्या ज़्यादा रहती है, और किस कृषि की लाइट नहीं देते हैं, 4 घंटा रात को दे दे, 4 घंटा दिन में दे दे, 8 घंटे लाइट देते हैं। यहाँ का कोई विकास नहीं है, 40 साल से यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं मंत्री जी, और यहाँ आज तक यहाँ पर कोई विकास नहीं हो पाया है, और नया विधायक चुनेंगे। lalluram.com के खास कार्यक्रम पब्लिक मीटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कर्ण मिश्रा, विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, और ऐसे में विजयपुर विधानसभा सीट के जो जागरूक मतदाता हैं उनका पब्लिक मीटर क्या कह रहा है, किसको मिल सकती है जीत और किसके हिस्से में आ सकती है हार, काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। विजयपुर विधानसभा सीट, नाम विजयपुर, किसको मिल सकती है विजय? अभी तो कोई कह नहीं सकते किसको विजय मिलेगी, अभी प्रचार चल रहा है, प्रत्याशी मैदान में आएंगे कि बहुमत के हिसाब से होगा। किसी दल बदल लिया, दल बदल का कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्या वो तो आम जनता के ऊपर है। अच्छा, हाँ, लेकिन रामनिवास रावत अभी तक कांग्रेस से जीतते आ रहे थे यहाँ पर, इस बार BJP से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप लोगों को? कोई नहीं पड़ेगा, कोई नहीं पड़ेगा, आम जनता चाहेगी तो उसको जिताएगी। बदल सकते हैं तो जनता भी बदल सकती है, वो भी बदल सकते हैं तो जनता बदल जाएगी। जनता बदल सकती है और क्या, बदलेगी, बदल गई जनता, काम कराएंगे तो उसी को क्यों बदल गई? बदल तो नो गई के जी 70,000 ते वोट अंत जिता है, वो छोड़ के जी वोटर जो और दूसरी पार्टी में भाग गए तो बिना बुरी नहीं लगेगी, इसीलिए बुरी लग रही है। अच्छा, मतलब ये इस बात का दर्द है आप लोगों के अंदर? ये बात का मन वोट दें और फिर हमारे कामन को करेगा, फिर वो तो भाग गो, आपको 200 प्रत्याशी ये करें। तो इस बार कांग्रेस से मल्होत्रा है, मुकेश मल्होत्रा, तो क्या लग रहा है कि वो ज़्यादा भारी पड़ेंगे? हम बहुत भारी पड़ेगा, वो बहुत भारी पड़ेगा। आदिवासी कार्ड खिलाया तो उसका कोई असर पड़ेगा क्या? 50,000 जाएंगे जीतेगा आदिवासी, 50,000 जीतेगा। अच्छा, हाँ, 50,000 से ज़्यादा? ज़्यादा। क्या क्या वजह है? रावणा पांडे छोड़ गए इसलिए। अच्छा, बाकी सब बढ़िया था? बढ़िया था, पहले तो बताया कि कहते हैं कि पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा था कांग्रेस में, उनको लगातार उनका अपमान किया जा रहा था इसलिए, और यहाँ पर विकास कार्य नहीं हो पा रहे थे इसलिए उन्होंने पार्टी छुड़वाया। आज तक कोई विकास होना हुआ आज तक? जब बाकी सरकारी जब बाने कच विजयपुर में कच करे हुई जाना। हाँ, विजयपुर की समस्या की बात करें तो यहाँ की क्या बड़ी समस्या है जिसको आप आज तक परेशान है उसकी वजह से आप लोग? विजयपुर की समस्या ये है कि माने ना तो कोई हॉस्पिटल, ना कोई स्कूल, माने बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, सरकारी में कोई ध्यान नहीं दे रहा है सरकारी स्कूलों पे, ना कोई इलाज का कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि चलो गरीबों लोगों को फायदा हो जाए। ग्वालियर जयपुर मरीज जा रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पे लाइट की समस्या ज़्यादा रहती है, और किस कृषि की लाइट नहीं देते हैं, 4 घंटा रात को दे दे, 4 घंटा दिन में दे दे, 8 घंटे लाइट देते हैं। लाइट की भी परेशानी है, शिक्षा स्वास्थ्य की भी परेशानी है, भाई साहब भी पीछे मौजूद हैं, भाई साहब हरी मिर्ची लेकर जा रहे हैं, स्वाद कैसा होता है इसका? स्वाद बढ़िया होता है इसका, बढ़िया चटपटा तो होता है, तीखा, अरे चटपटा होता है। तो आप लोगों का एक बोट जो है वो भी नेताजी जो होते हैं चुनाव मैदान में उतरते हैं उनको मीठा फल खिलाने वाले हैं कि हरी मिर्ची खिलाने वाले हैं? तो मीठा खिलाएंगे भाई, मीठा खिलाएंगे, बिल्कुल। कौन के हादसे में मीठा आइटम आने वाला है? अरे रामनिवास रावत जी के आने वाला है। क्यों आने वाला है अभी? भाई बाबा बता रहे हैं कि बड़ी परेशानी है, कुछ काम नहीं हो पाया यहाँ पे। अरे काम इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उनकी सरकार नहीं थी अब तक, अब की बार उनको चांस मिला है सरकार का, तो उनका प्रयास है कि कोई अच्छा काम करेंगे। तो अभी तक ऐसे कौन से प्रोजेक्ट थे, ऐसे कौन से काम थे जो नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब उम्मीद लग रही है आपको कि अब रामनिवास रावत जी अगर चुनाव जीत जाएंगे, जनता उनको चुनेगी, तो यहाँ का विकास हो पाएगा? अरे कोई भी समस्या है जैसे रेंज विभाग के काम है आज तक नहीं हो पाए हैं, तो वो उनको करवाएंगे, बता रहे हैं रामनिवास रावत जी। अच्छा, बता रहे हैं कि आदिवासी बाहुल्य सीट है ये वाली, सबसे ज़्यादा आदिवासी है यहाँ पर, क्या जातिगत कार्ड भी यहाँ पर चलता है, हार जीत का बड़ा मायने रखता है क्या इस मामले में जातिगत कार्ड? नहीं भाई, हार जीत का कोई मायने नहीं, नहीं। तो इसका मतलब जैसे कि अभी भाई साहब बता रहे थे कि दल बदल लिया है, इसको लेकर जनता में नाराजगी है, आपके अंदर कोई नाराजगी नहीं? नहीं देखो, दल बदलने का तो उनका प्रयास विफल जा रहा था इसलिए उन्होंने दल बदल लिया। अच्छा, बिल्कुल ली है। अब आपको उम्मीद लग रही है नहीं? हाँ बिल्कुल, फुल उम्मीद है, पूरी उम्मीद है इनको। दादा राम राम, कैसे?
अरे हम तो महाराज जी बढ़िया है खूब बढ़िया है। कैसा काम धंधा चल रहा है सब यहाँ पे? बढ़िया खूब, टेंशन ना है। बढ़िया बढ़िया। आपका मीटर क्या कह रहा है, कौन जीत सकता है कौन आ सकता है? हमारा जे कह रहा महाराज जी कि हम तो महाराज जी को वोट देता है और दंग दए और प्रूपत बीच बाजार में लट पाते तो महाराज जी को कैसे सकाल बता। भैया कानून की स्थिति क्या है विजयपुर? हाँ, हमारे विजयपुर में कानून की स्थिति ये है कि हमारे यहाँ भाजपा की सरकार होने पर मंत्री जी जाने पर उनको भय है कि हमको यास किया तो पार्टी बदल जाएगी, कि उनको हिम्मत है या टीआई साहब हैं एसपी साहब हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है कि हम उनके शासन के साथ मंत्री साथ चले जनता को डंडा देते भगते चले। तो यहाँ पर कानून व्यवस्था होने पर लगता है ऐसा कि आदमी स्वतंत्र अपना वोट दे चुके। और दूसरे नंबर पर यह है कि हमारी यहाँ पर आदमी को कुछ ऐसे ही गुमराह हो जाता है, क्योंकि अब आना एक पुलिस वाला हमको डंडा दे के भागे तो आदमी भयभीत हो जाएगा। तो कानून अपनी व्यवस्था रहेगा तो स्वच्छ अपना वोट दे चुके। तो ऐसे ही आपको आप वोट डालने जाएंगे आप? हाँ, वोट डालते हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक जो है जानना चाहते हैं कि वोट कितना ज़रूरी होता है, एक व्यक्ति का वोट डालना। कई लोग ऐसे होते हैं कि वोट डालने जाते नहीं है, फिर कोसते रहते हैं कि अरे नेताजी ने काम नहीं कराया, गलत आदमी चुन कर आ गया। तो वोट डालना जरूरी होता है? वोट डालना जरूरी होता है, इससे आपको 5 साल का आपका जीवन, वैसे आपका जीवन एक दान होता है। आपको जहाँ मतदान आपको करोगे ना, आप जिसका आपका फिंगर लग जाएगा, पेंशन हो जाएंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी वहाँ तक आपके बंधन में हो जाएगी। इसके मतदान इसी से बोलते हैं, आपका जो जीवन हम बात कर रहे हैं ना, तो उसकी ज़िंदगी आपके वहाँ पर कागज़ में लिखा पड़ी हो जाती है। तो ऐसे ही मतदान करना एक अवश्य है, मतदान करना बेहद जरूरी है। क्या हालचाल आपका? हमारा हालचाल यह है कि तेरे बाट में हम रहते हैं, गोटू गोटू पानी है, रोड सांप निकल रहे हैं, जिज्जे बड़े मच्छर हैं, तो हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा है। मतलब समस्या परेशानी ज़्यादा है? परेशानी ज़्यादा है, 100 बार तो CM हेल्पलाइन लगा दी, नगर पालिका में कह दी, सब जगह कह दी, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। तो आपका पब्लिक मीटर क्या कह रहा है? पब्लिक मीटर का ग्राफ किसको जिता रहा है, किसको हरा रहा है, क्या किसको क्या कह रहा है? पंजाब है साहब। अच्छा, वैसे कहा जाता है कि वोट के बारे में बताया नहीं जाता कि किस पार्टी को वोट दिया जाएगा, है ना, लेकिन ये बता के गए हैं कि पंजे के लिए बोल के गए हैं। तो आपको आपको क्या लग रहा है कि मतलब बताया कि घोटू घोटू तक पानी भरा हुआ है, लोकल भाषा है घोटू घोटू यानी घुटनों घुटनों तक पानी है, तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि वाकई में दिक्कत है, काम नहीं हो पाई यहाँ पर? सही बात है, कांग्रेस ही चाहिए, कांग्रेस ही, कांग्रेस जीतेगी अब की बार। तो मतलब अगर 1962 से देखा जाए तो यहाँ पर लगातार 7 बार कांग्रेस जीती है, 6 बार रामनिवास रावत जी जीते हैं, लेकिन कांग्रेस के टिकट पर जीते हैं, इस बार वो बीजेपी से हैं। तो मतलब इस बार कांग्रेस फिर से आ रही है या बीजेपी? कांग्रेस, कांग्रेस आएगी। वो क्या काम नहीं करवाते थे रामनिवास जी, इसलिए कांग्रेस दोबारा से आई। वादा करते बस, करते कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ ये उनको वादा ज़्यादा हुआ, काम कम हुआ। हाँ, और नया जनप्रतिनिधि चुनेंगे आप, जो भी चुने तो वो काम करेगा, ये विश्वास है? बिल्कुल करेगा। मुकेश मल्होत्रा आओ की बार विधायक वही होगा, मुकेश मल्होत्रा। क्या वजह, क्या वजह लग रही है यहाँ का? कोई विकास नहीं है, 40 साल से यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं मंत्री जी, और यहाँ आज तक यहाँ पर कोई विकास नहीं हो पाया है। अब नया विधायक चुनेंगे, विकास की राह और भ्रष्टाचारी को मिटाएंगे बीजेपी। कई बार वो ये बात बता चुके हैं, जब से उन्होंने दल बदला है उन्होंने कह चुके हैं इस बात को लेकर कि काम नहीं कर पा रहे थे, विपक्ष में रह के सम्मान भी नहीं मिल रहा था, जनता के काम रुके हुए थे, जनता दरवाजे पर खड़ी हो रही थी, लेकिन अब सरकार है केंद्र में भी प्रदेश में भी, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा है कि मैं काम करवा पाऊंगा। मंत्री जी हम फुल सपोर्ट किया, पहले भी विधानसभा चुनाव पर फुल सपोर्ट किया था, लेकिन मंत्री जी ने अपना वोट बेच दिया है, कभी भी बिक सकते हैं जी, कभी भी पैसों से खरीदा जा सकता है इन लोगों, कौन भरोसा करेगा आपकी बार फिर से बिक जाएंगे? तो मतलब इस बात का आप लोगों के अंदर डर ज़्यादा रहता है कि जिसको चुना है वो दल ना बदले, ये माना जाए? सही है। बदले के जा बूढ़ा काम है रे, ट्रक को रोड बनेगा, लूड़ी को बनेगा। अच्छा, लूड़ी को बनेगा तो सबको बनेगा, मने को तो प्लांटेशन में हमारे उधर लगे रहे, हमें तो फूले पाई दबाएंगे। अच्छा, मतलब एक तरफ पंजा है एक तरफ फूल है। फूल है, फूल फूल फूल। तो फूल की वजह आपने बताई, सड़क अच्छी हो गई, और क्या क्या अच्छा हो गया? बहुत मजा आता है, 3 महीना में सब कुछ अच्छा है। सब कुछ अच्छा है, 3 महीना में सब कुछ अच्छा है गया, और पहले कछु नहीं हो जाए। तो मतलब जो बात वो कह रहे थे कि सरकार नहीं थी इस वजह से दिक्कत आ रही थी, अब सरकार के हिस्से में आ गए हैं तो काम करवा पा रहे हैं? काम करवा पा रहे हैं, कर चुके हैं।
देखिए भैया बिल्कुल, ये विजयपुर विधानसभा सीट है और विजयपुर विधानसभा सीट के ये सभी जागरूक मतदाता हैं और जिन्होंने बेबाकी से पब्लिक मीटर के जरिए अपना पूरा ग्राफ बताया है कि ग्राफ किस तरह का जाएगा और ये ग्राफ किस ओर जाएगा इसको तय करेगा एक वोट, यानी ये सभी जो जागरूक मतदाता हैं इनका वोट तय करेगा कि किसके हिस्से में जीत आएगी और किसके भाग्य में होगी हार, ये तय करने वाली बात होगी। क्योंकि जब मतदान होगा और उसके बाद मतगणना होगी, उसके बाद आंकड़े भी और रिजल्ट भी स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए लल्लू राम डॉट कॉम।